घूम के आ रही है। Looking damn gorgeous, दोनों की दोनों। ओके चलो, I'm in my bridal लहंगा और जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। सो आज है मेरी ननद की फाइनली शादी। थोड़ी सी लाइट में आ जाऊँ अदरवाइज सब डिम लगेंगे, है ना। तो ओके, सब रेडी है। हम अभी यार जस्ट अभी हम आए हैं। क्या हुआ, बारात आ गई। वाह, हमारे साथ सीन हो गया तो क्योंकि हम लेट हो गए। अभी सब रेडी होके आए हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छे लगे। मिस्टर नितिन तो सही में अलग लग रहा है। आज हमने ट्यूनिंग की है, आज हमारी बेटू ने भी ट्यूनिंग की है क्योंकि इसलिए, बट उसका थोड़ा सा पिंक अलग हो गया। तुझे एक बात नहीं पता, आने के लग गई आँख में। बॉटल थी, उसने यूं करके मार लिया आँख में, फिर रोते रोते सो गई। कहाँ है वो, ज़्यादा सूज गई है क्या? नहीं सूजी नहीं, आँख वैसे लग गई जैसा उंगली नहीं लग जाती आँख में, फिर आप बोलती नहीं। ओके तो चलो मैं अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ अभी, मतलब मिलवाती नहीं हूँ, उनको दिखाती हूँ। अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं वो, और कैसे लग रही कॉमेंट्स करके बताना। स्वागत करते हैं हम छात्र के साथ। बेटा एक सेकंड, सामने कौन है? एक सेकंड आप ओके, सुबह हो चुकी है और रात में आके यार बिल्कुल भी हालत नहीं थी लाइक कि मैं शूट कर पाऊँ कुछ भी। ओके मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी। रात में विद मेकअप मैं सो गई एंड लुक यहाँ पे देखो मेरे वीलो, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी। हम करीबन विदाई होने वाली थी, हम तब आए थे और मैं विदाई बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी ना। मन कर रहा था कि बस मुझे जुकाम हो गया है। ऑब्वियसली ऐसे में होता ही है कि मतलब शादी ब्याह में ठंड कितनी पड़ रही है। तो मैंने क्या किया था, विनीपू आए थे, पता नहीं मैं शूट कर भी पाई नहीं कर पाई ब्लॉग, मैंने उनको दे दिया आन्या को क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था कि एक काम कर आन्या को भिजवा दियो। और मतलब पूजा को बोला था कि परेशान हो रही होगी नेहा तो यहाँ पे आ जाएगी आन्या। एंड गाइस आन्या के जाने के बाद ना सीरियसली बताऊँ मैं बहुत रिलीफ में आई। मतलब उसको था कि मेरा एक तो मैंने अपना वेडिंग लहंगा पहना था, बहुत हैवी था, मुझसे बिल्कुल भी नहीं कैरी किया जा रहा था। मतलब ऐसा लगा यार अपनी शादी के टाइम में जो जोश था ना कि भाई इतना मतलब मैंने हैवी वाला लहंगा कैरी कर लिया, लेकिन भाई अब मेरे में हिम्मत नहीं है। तो बस बहुत मज़े से शादी हुई, अच्छे से हमने अपने नेक लिए और यार बहुत मज़ा आया। अब जाके हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी क्योंकि हमारे गले ख़राब पड़े हैं। तो आज का क्या प्रोग्राम है मैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारा आज भी यहाँ पे स्टे है लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी रुकने का, क्योंकि कल मेरे यहाँ बाहर के कपड़े दिखाए जाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉग तो मैं कंटिन्यू करूँगी। काजल की शादी आने वाली है तो हमारे यहाँ से जाएगा भात, तो मम्मी ने बुलाया है कि भात के हम कपड़े दिखाएंगे, तो तुझे 2 तारीख को आना है। और मुझे काजल की शादी की भी तैयारी करनी है, ऑब्वियसली मेरे को आरता करना है काजल के पति का। वाओ, पति होने वाला, मतलब मेरा तो जीजा ही लगा। और देखो मेरे को ब्रेकआउट्स हो गए बिकॉज मैंने रात में मेकअप कैरी कर दिया, मुझे बहुत पेन हो रहा है इसमें। एंड बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आया। मैंने क्या किया, रात में मैं इनकी टी शर्ट पहन के बैठी हूँ। एंड बुआ की तरफ से अभी एक सूट मिला है गिफ्ट में, तो मैंने ये ले लिया। और कल बहुत मज़ा आया, मतलब जो हमारे दूल्हे हैं ना वो बहुत फनी है यार, सीरियसली मज़ेदार। आज भैया की वहाँ पे रस्में चल रही होंगी, अभी तो कंगना खिलाई वगैरह आई थिंक चल रहा होगा। तो रात को हमें हमारा मतलब जो लड़की वाले हैं उनका प्लान था कि 6 बजे के आसपास हम विदाई मतलब वो विदा करके अपने घर पे ढोल बोल के साथ लेके जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे पड़ गया बुधवार को हमारे यहाँ लड़की अपने मायके से ससुराल नहीं जाती, तो पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा जल्दी कि 3 बजे से पहले विदाई करा दो। 3 बजे से पहले लड़की की विदाई हो गई। अब हाँ, मतलब आप में से किस किस के यहाँ होता है कि बुधवार को मायके से ससुराल नहीं जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, मतलब। तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत माना जाता है इस चीज़ को कि बुधवार में लड़कियाँ ससुराल नहीं जाती। तो विदाई अच्छे से हो गई, बुआ तो रोई ऑब्वियसली यार, बेटी गई। तो बस हमारा रूम दिखाती हूँ, थोड़ा मैस पड़ा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मैस पड़ा है। बट मैंने ज़्यादातर चीज़ें ना रात में ही रख ली थी। लाइक मेरा लहंगा जो था मेरे को अभी ड्राई क्लीन करवाना है, शादी के बाद मैंने ड्राई क्लीन नहीं कराया था। एंड यार इट्स सो हैवी भाई साहब, मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ, मतलब आप सोचोगे बड़ाई वाली बात नहीं है। वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे यार मेरा लहंगा देखे जा रहे थे। एंड आधो ने तो मुझसे पूछा आपने डिज़ाइन कराया है, आपने कहाँ से बनवाया है। मैंने कहा इट्स माई ब्राइडल लहंगा। तो लोगों का रिएक्शन, वाओ यार इसका लहंगा अच्छा है ना। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरा ब्राइडल लहंगा कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके बताना। मेकअप मैंने खुद ही किया था एंड लैशेज़ मैंने नहीं लगाई थी बिकॉज ऑफ आन्या, क्योंकि उसके साथ ना वो ऐसे करके खींचती रहती है। और हेयर स्टाइल भी मैंने खुद ही बनाया था। लेकिन मेरी प्लानिंग है अभी काजल की शादी के लिए कुछ और, तो स्टे ट्यून फॉर उसके व्लॉग। शादी के व्लॉग्स आने वाला है शादी के व्लॉग्स आने वाले हैं। और यहाँ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ। हम बस निकलेंगे यहाँ से और घर जाके मैं सोने वाली हूँ। बाय बाय।